हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले कुछ दिनों से मैं यहाँ पे थोड़ा अपसेट हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो डाल नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे मेरे पास 3 छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे थे, जो मेरे पास 8 महीने यहाँ पे बड़े हुए। डेली उन लोगों के खाना देना, उन लोगों को बड़ा करना, सब कुछ किया। उसके बाद सडनली एक बच्चा 2 दिन पहले ही यहाँ पे हम लोग सबको छोड़ के यहाँ पे चला गया, और बाकी के 2 बच्चे अभी मिसिंग है। मुझे पता नहीं है वो लोग कि हमको छोड़ के चला गया कि वो लोग किधर है। आप लोग काइंडली दुआ कीजिए कि वो लोग जहाँ पे भी हो सही हो, और अगर हम लोग को छोड़ के भी वो लोग चला गया है ऊपर वाले के पास, सही सलामत हो, खुश रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कतर से आने वाले कुछ सारे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, तो काइंडली वीडियो का अंत तक बने रहे, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, तो चलिए पहले मैं एक लाइन में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज का डेट का कोविड अपडेट क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिन बाद फिर से यहाँ पे एक डेथ केस यहाँ पे देखने को मिला है। जहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कतर में लास्ट 24 आवर्स में टोटल 165 कोविड का पॉजिटिव केस यहाँ पे दर्ज किया गया है, जहाँ पे 154 कम्युनिटी केसेस एंड 11 यहाँ पे बाहर के ट्रेवलर्स से आए हैं। ओके, और यहाँ पे लास्ट 24 आवर्स में एक डेथ केस भी यहाँ पे रजिस्टर किया गया है, मगर यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे आईसीयू में भर्ती होने का या तो फिर नॉर्मल एडमिशन होने का यहाँ पे तादाद बहुत कम हो गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कतर गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कतर में कोई भी इमरजेंसी केसेस में, बड़ा इमरजेंसी केसेस में यहाँ पे हम लोग को 999 मतलब 999 में यहाँ पे कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पे रिसेंटली NCC मतलब नेशनल कमांड सेंटर से ये बताया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 999 में सिर्फ यहाँ पे इमरजेंसी केसेस में ही कॉल करना चाहिए, मगर यहाँ से बताया जा रहा है कि यहाँ पे 80-85% केसेस ऐसे आ रहे हैं जो कि माइनर एक्सीडेंट में भी यहाँ पे 999 में कॉल करके बुला रहे हैं। तो इससे उन लोगों का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि बड़ा कुछ मेजर केस अगर यहाँ पे होता है कि बड़ा रोड एक्सीडेंट हो गया, या तो फिर कोई बड़ा बिल्डिंग में आग लग गया, या तो फिर कोई बच्चा कहाँ पे अटक गया है उसको निकालना है, ऐसा कुछ बड़ा कुछ अगर इंसिडेंट होता है तो ही आप लोग काइंडली 999 में यहाँ पे कॉल लगाइए। कतर गवर्नमेंट से सबको बार बार यहाँ पे बताया जा रहा है, अवॉर्ड किया जा रहा है, अगर छोटा मोटा कुछ आप लोगों का कुछ भी एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है तो आप लोग नियरेस्ट आप लोग क्लिनिक में जाके, या तो फिर नियरेस्ट आप लोग पुलिस थाने में जाके यहाँ पे आप लोग कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, या तो फिर उन लोगों से आप लोग हेल्प मांग सकते हैं, मगर कुछ मेजर कुछ नहीं होने तक आप लोग यहाँ पे 999 में कॉल मत लगाइए। ओके, नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे कतर अमीरी दीवान मतलब कतर किंग की तरफ से आ रहा है। 18th of December कतर का नेशनल डे है, जिसको यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसका तैयारी अभी से यहाँ पे ऑलरेडी चालू हो गया है। तो कतर अमीरी दीवान की तरफ से ये बताया गया है कि यहाँ पे 18th of December को नेशनल डे है, मगर 18th of December को छोड़ के भी यहाँ पे 19th of December मतलब संडे का दिन में भी यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा एक गवर्नमेंट का छुट्टी अलॉट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे MOI कतर की तरफ से ही आ रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि कतर में 18th of December यहाँ पे कतर नेशनल डे यहाँ पे मनाया जाएगा, इसका प्रिपरेशन यहाँ पे 15th of December से ही यहाँ पे चालू हो जाएगा अंटिल 21st of December तक। तो यहाँ पे कतर MOI से कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अगर आप लोग यहाँ पे 15th of December से 21st of December तक यहाँ पे कतर नेशनल डे को आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग अगर घर से निकलते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताया गया है। आप लोग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू नॉट चेंज योर व्हीकल कलर, मतलब आप लोग अपना गाड़ी का कलर को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग गाड़ी का विंडो से आप लोग आधा निकल के, आप लोग जैसे होते हैं नॉर्मली आधा निकल के आप लोग फ्लैग निकालते हैं या तो फिर कुछ भी करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को गाड़ी का विंडो से यहाँ पे सर निकालना या तो फिर हाथ निकालना या तो फिर कुछ भी निकालने के लिए यहाँ पे मना किया गया है। थर्ड है, आप लोगों का गाड़ी का विंडशील्ड को आप लोग को किसी भी तरह से यहाँ पे गार्ड नहीं करना है, आपका गाड़ी का विंडशील्ड को यहाँ पे टोटली क्लियर रखना है। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में बताया गया कि अगर आप लोग अपना गाड़ी को डेकोरेट करते हैं तो यहाँ पे आप लोग का गाड़ी का फ्रंट नंबर प्लेट एंड पीछे का नंबर प्लेट किसी भी तरह से यहाँ पे ढकना मतलब छुपाना नहीं चाहिए, ये टोटली क्लियर रहना चाहिए। आप लोग पूरा गाड़ी को डेकोरेट कर सकते हैं, मगर ये जितना भी मैं आप लोग को इंस्ट्रक्शन दिया ये सब कुछ को आप लोग को फॉलो करके ही चलना है, अदरवाइज आप लोग को यहाँ का पुलिस से पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ का रूल को मतलब MOI से जारी किया गया जो रूल है उसको वायलेट कर रहे हैं। ये 4 पॉइंट को आप लोग थोड़ा ध्यान रख के ही बाहर में निकलिए। ओके, तो यही सारे छोटे छोटे अपडेट आज को कतर की तरफ से आ रहा था, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो ऐसे ही अपडेट कतर के बारे में डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलता है ऐसे नेक्स्ट को इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।